नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डे 24 ऑफ 30 डेज ऑफ योगा। आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इट इज फॉर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। सो अपने मैट के ऊपर आ जाओ और बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ। अपने हाथों को बिल्कुल साइड में रखेंगे मैट के बिल्कुल स्टार्टिंग में आकर। मेक श्योर दैट आपके पैरों के अंदर थोड़ा सा गैप है, सो दैट बॉडी जो है बैलेंस हो पाए। यहीं पर कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें, क्लोज द आईज एंड कुछ डीप ब्रेथ्स लेना शुरू करते हैं टू स्टडी आवर सेल्व्स। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल आउट। टेक अ लॉन्ग, वंस अगेन ओपन द चेस्ट, ओपन द थ्रोट, एक्सहेल, रिलैक्स। Once again, open the chest, open the throat. Exhale, relax. Bring your awareness to the present moment, physically, emotionally, mentally. प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। सी वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर योर फीट आर। नाउ टेक अ डीप इनहेल एज इफ यू आर ब्रीदिंग इन ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम द मदर अर्थ। Exhale all the negativity from the body. Now, when you think that your complete awareness is right in the present moment, yahi par hain aap mentally, physically and emotionally, tab ek deep inhale lete hue apne haathon ko thoda sa upar ki taraf utha le, बेंड करके रखें या पूरा सीधा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लें। एंड एक्सहेल करते हुए अपनी आईज को ओपन अप कर लेंगे और अपने हाथों से योगिक फिस्ट बनानी है, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। रिस्ट रोटेशन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट साइड, जेंटल रोटेशंस करनी है जस्ट अपने रिस्ट को वार्म अप करने के लिए। लेफ्ट टू राइट साइड and then right to left side. Good. Poor aage ki taraf le jao. Continue kare. Right to left side and then after some rounds, right, left to right side. Apna left hand ko lenge, fingers ko pull karenge apni taraf. राइट हैंड से फिंगर्स को और भी ज्यादा पुल करने का ट्राई करेंगे। नाउ सेम विद द अदर हैंड, राइट हैंड के लें, राइट हैंड को लें और फिंगर्स को पुल कर दें। वेरी नाइस। एंड देन थोड़ा सा शेक कर अपने हाथों को रिलैक्स कर दो। अमेजिंग, गुड। थोड़ा सा अपने पैरों को हिला लें। इफ यू फील, थोड़ा सा जेंटल काफ रेजेस कर लेते हैं। पूरा ऊपर की तरफ काफ रेज करा एंड देन डाउन, हील अप करी एंड देन डाउन। लास्ट 5 and 4 and 3 and 2 and 1। गुड। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाओ बिल्कुल। द फिंगर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। अपने लेग्स में थोड़ा सा गैप रखें। लेफ्ट टू राइट साइड थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू करेंगे। बहुत ही स्लाइट मूवमेंट करनी है, जेंटल मूवमेंट करनी है, डीप नहीं जाना। लेफ्ट टू राइट साइड थोड़ा सा मूव करेंगे। आपकी लोअर बॉडी जो है इंटैक्ट रहेगी, लोअर बॉडी मूव नहीं कर रही, जस्ट आपके हाथ, आपकी स्पाइन और आपकी अपर बैक, इट इज मूविंग बैक एंड देन टू द फ्रंट। थोड़ा सा मोशन इंक्रीज करने का ट्राई करें।
one last time. Now take a deep inhale, moving from left to right side. Exhale, come back to center. अपने हाथों को ले आए सेंटर पोजिशन में. राइट हैंड को लेंगे, स्लाइड कर देंगे राइट साइड और अपने लेफ्ट हैंड से ओवर हेड. नाउ दिस टाइम अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे और राइट हैंड से पूरा ओवर हेड. अपने राइट हैंड को स्विंग करते हुए आगे की तरफ ले आए और अपने पैरों को बेंड कर लें चाहे या स्ट्रेट आउट करके रखें. दिस टाइम अपने नीज के ऊपर हाथों को लगाएंगे और बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा कर दो. जस्ट टेक सम जेंटल फ्यू डीप ब्रेथ्स इन, डीप ब्रेथ्स आउट. अपने पैरों को मोड़ना है, बेंड करना है तो बेंड कर लें और अपने हाथों को बिल्कुल ड्रॉप कर दें ग्राउंड के ऊपर. एक एक करके अपनी नीज को डाउन कर देंगे. नाउ जस्ट मेक श्योर कि आपके जो हाथ हैं वो जस्ट राइट अंडर द शोल्डर्स हैं और आपके जो नीज हैं दे आर राइट अंडर द हिप्स. यहीं से सीधा पीछे की तरफ अपने जो हिप्स हैं उनको पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे अपनी हील्स की तरफ, मूविंग डाउन इनटू बल आसन, चाइल्ड्स पोजिशन. जितना डीप जाना है उतना डीप चले जाओ. मे भी अपने हेड को ड्रॉप करना है, हेड को ड्रॉप कर दें. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट. यहीं से स्लाइड कर सीधा मूव करेंगे भुजंगासन में. तो अपने हाथों को वापस से प्रेस करा ग्राउंड के ऊपर. बहुत ही पास में रहना है ग्राउंड के और आराम से मूव करना है पूरा आगे की तरफ इनटू कोबरा भुजंग आसन. यहीं से वापस से पूरा नीचे होते हुए मूव करना है बल आसन. जितना हो सके अपनी बॉडी को बिल्कुल पास में रखें ग्राउंड से. इनहेल कोबरा, एक्सहेल बल आसन. वंस अगेन प्रेस द हैंड्स ऑन द ग्राउंड. इनहेल, exhale. Last two times, inhale and exhale. One last time, come on. जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. पूरा नीचे की तरफ जाएं और फिर ऊपर की तरफ उठ जाएं. And then coming back to Bal Asana. Now press the hands on the ground or seedha downward dog position Parvat Asana mein uth jayein. Toes ko tuck kar lenge aur apne hips ko bilkul upar ki taraf le gaye towards the ceiling. Apni spine ko bilkul andar ki taraf stretch kar do. Thighs aur jo hamari chest ka gap hai usko kam kar de. और अपने पैरों को चाहे तो सीधा रखें या फिर बेंड रखें. यहीं से टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड मूव इनटू प्लैंक पोजीशन. बॉडी इज कंप्लीटली बिकमिंग पैरेलल टू द ग्राउंड. नाउ चतुरंगा लेने वाले हैं विच इज ऑल्सो अ पुशअप. तो आप नीज को भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर बिना नीज को ड्रॉप करें. शिफ्ट द वेट फॉरवर्ड एंड बेंड द हैंड्स, मूव इनटू चतुरंगा and seedha upward facing dog and once again move into downward facing dog. We'll do it two more times. Come on, inhale, shift the weight forward, chaturanga,
upward facing dog and downward dog. One last time. Knees ke upar drop karna hai to knees ke upar drop kar lo. Body becoming parallel to the ground. Shift the weight forward. Chaturanga and upward facing dog. And once again, move into downward dog position. बहुत ही आराम से अपनी knees को drop कर दो ground के ऊपर. यहीं से अपने राइट लेग को एक्सटेंड करते हैं पूरा ऊपर की तरफ. नाउ टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल अंदर की तरफ ले आए एंड नाउ प्लेस इट इन बिटवीन द हैंड्स. गुड. इफ हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है ऊपर की तरफ उठाएं, नहीं तो जमीन की तरफ रखें. पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक इनहेल ले लें अच्छे से. एक्सहेल करके और अपने हाथों को नीचे ड्रॉप कर दें. अपनी राइट लेग को पूरा पीछे की तरफ ले जाओ पर ऊपर की तरफ ही रखना है, ग्राउंड पे टच नहीं करना. विल टेक टू पुशअप्स. सो जाना है पूरा नीचे, अपने चेस्ट को टच करना है एंड देन वापस से ऊपर. वन, अपने पैर को नीचे ड्रॉप ना करें. एंड द लास्ट, वेरी नाइस. यहीं से अपने पैर को ऊपर की तरफ ही रखेंगे. ये जो लेफ्ट लेग है पिविट कर देते हैं नी से, साइड में आ जाएं और बॉडी को बिल्कुल एक साइड ओपन अप कर दो. राइट साइड बॉडी जो है वो बिल्कुल ओपन अप हो गई है. नाइस. यहीं से जो राइट लेग है इसको ड्रॉप कर दो और सीधा खड़े हो जाओ. वेरी नाइस. बिल्कुल इफ नी के अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर आ रहा है तो जल्दी से पॉज करो वीडियो को और एक पिलो ले आओ या एक नी पैड ले आओ और नी के बिल्कुल नीचे प्लेस कर दें. अब यहीं से अपने टोज को ऊपर की तरफ कर देंगे और अपनी हील को लगा देना है ग्राउंड के ऊपर. नाउ टेक योर राइट हैंड और स्लाइड कर दो पूरा राइट लेग के ऊपर जितना नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से पूरा ऊपर. नाउ टेक योर मूवमेंट हियर टू जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अपने लेफ्ट हैंड को वापस से ड्रॉप कर दे नीचे और अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठा दें. वेरी नाइस. नाउ दिस टाइम राइट हैंड को ड्रॉप करेंगे ग्राउंड के ऊपर और अपने राइट लेग को राइट ट्राइसेप मसल के साथ जॉइन करने का ट्राई करेंगे एंड देन वापस से एक्सटेंड कर देंगे और अपने हाथ को ऊपर उठा देंगे. नाउ दिस काउंट्स फॉर 5. देन वापस से अपने राइट हैंड को ड्रॉप करा, नी को ज्वाइन करा ट्राइसेप मसल के साथ एंड देन वापस से ऊपर की तरफ. अमेजिंग. लास्ट 5 और. गुड. नाउ टेक अ डीप इनहेल हियर, एक्सहेल. लास्ट 4. टेक अ डीप इनहेल हियर, एक्सहेल. लास्ट 3. टेक अ डीप इनहेल हियर, exhale. Last 2. Take a deep inhale here. Exhale. Last 1. Amazing. And relax. This time अपने पैर को भी drop कर दो और बिल्कुल center position में आ जाए वापस. यहीं से अपने right leg को बिल्कुल नीचे की तरफ रख दें and just अब repeat करेंगे left leg के ऊपर. तो अपने लेफ्ट लेग को ले जाओ पूरा ऊपर की तरफ. नाउ टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल कर क्रंच करें और बिल्कुल अंदर की तरफ से ले आए इन बिटवीन द हैंड्स अपने लेफ्ट फुट को. नाउ इफ यू फील कंफर्टेबल हियर तो यहीं पर बने रहें, नहीं तो जस्ट अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाओ, थोड़ा सा बैलेंस बनाएं. एंड नाउ टेक अ मोमेंट हियर टू ब्रीद इन ब्रीद आउट. नाउ ड्रॉप द हैंड्स. अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल पीछे की तरफ ले गए, उठा कर ही रखेंगे एंड जस्ट नॉर्मल 2 पुशअप्स लेने हैं एंड 2 एंड 1 लास्ट. अमेजिंग. यहीं से ये जो राइट लेग है इसको पिविट कर दें और साइड में टिल्ट कर दें. बॉडी हमारी बिल्कुल एक साइड ओपन अप हो जाएगी
यहीं से क्या करेंगे, जो लेफ्ट लेग है इसको साइड में ड्रॉप कर देना है और आपके हाथ पे बिल्कुल साइड में आ गए। यहीं से ये जो फुट है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखेंगे, टोज को ऊपर उठा लेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के ऊपर स्लाइड करेंगे और राइट हैंड हमारा पूरा ऊपर की तरफ रहेगा। विल टेक डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट, लेते हुए अपने हाथ को ले आए नीचे और ड्रॉप कर दें ग्राउंड के ऊपर। जैसे ही ड्रॉप करेंगे लेफ्ट लेग अपने आप ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर की तरफ। नाउ टेक अ डीप इनहेल हियर, एक्सहेल कर अपने हाथ को ड्रॉप कर देना है और अपने लेफ्ट नी को लेफ्ट ट्राइसेप मसल से ज्वाइन करेंगे। देन वंस अगेन ओपन अप, इनहेल एंड देन वंस अगेन ज्वाइन द नी टू द ट्राइसेप मसल। Inhale, last five, last four, last three, last two, namo, amazing, and the last one. यहीं से अपनी बॉडी को टिल्ट कर दो और वापस से सेंटर पोजीशन में ले आओ और अपने नीज को ड्रॉप कर दो। गुड, व्हेन यू फील कंफर्टेबल रेडी तो मूव करेंगे अहेड, अपनी एल्बोज को ड्रॉप कर दें ग्राउंड के ऊपर, अपने पाम्स को लगा दो नीचे एंड यहीं से टक करेंगे अपनी नीज को, अपने हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ भेजना है एंड देन बिल्कुल ऊपर जैसे पर्वतासन में करते हैं अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ भेजो। टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल कर बिल्कुल प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, एल्बो प्लैंक। आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल है ग्राउंड से। नाउ होल्ड हियर फॉर 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस से स्टेप करा इनसाइड अपने लेग्स के साथ और हम वापस से चले गए डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। एंड देन वापस से स्टेप करें पीछे की तरफ सो दैट आपकी बॉडी पैरेलल बन जाए ग्राउंड से। एंड नाउ होल्ड फॉर 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टेप करें इनसाइड, चाहे अपने पैरों को बेंड रखें चाहे सीधा कर दें, अपने टोज को देखने का ट्राई करो एंड एक और बार होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अमेजिंग, स्टेप इनसाइड इन डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। वेरी नाइस, वन लास्ट टाइम कम हियर इन हाई प्लैंक पोजीशन। दिस टाइम होल्ड नहीं करेंगे, हमें हाथों के ऊपर आना है हाई प्लैंक में। सो एक एक करके आ जाए, नीज को ड्रॉप करके आ जाए, नो प्रॉब्लम। एंड देन वंस अगेन डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, अपने पैरों को बेंड रखना है, प्लीज बेंड रखो, नो प्रॉब्लम। यहीं से अपनी एल्बोज को ड्रॉप करो डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में ही। वंस अगेन मूव फॉरवर्ड, एल्बो प्लैंक, एक एक कर ऊपर की तरफ आ जाए एंड देन डाउनवर्ड डॉग। एक एक कर अपने एल्बोज को ड्रॉप कर दो। And then move ahead into elbow plank. One last time. Downward dog. Dolphin position, जिसमें हम elbow को drop करते हैं और downward dog position में रहते हैं. Body becoming parallel to the ground and elbow plank.
नाउ होल्ड द पोजिशन फॉर 10 सेकेंड्स. हम 10 टाइम्स टैप करने का ट्राई करेंगे नीज के साथ. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अमेजिंग. वन लास्ट टाइम अपने हाथों के ऊपर आ जाओ, अपने नीज को बेंड कर लो एंड मे बी जंप फॉरवर्ड और वॉक फॉरवर्ड. मूव स्ट्रेट इन टू मल आसन, डीप स्क्वाट पोजिशन. अपने पैरों के अंदर गैप करें और सीधा डीप स्क्वाट पोजिशन में बैठ जाओ. गुड. अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें, मल आसन में बैठे रहें. साइड टू साइड थोड़ा सा हिप्स को मूव कर सकते हो, अपने रिस्ट को रिलैक्स कर लो, शेक एंड अप कर लो. वी आर डन विद द फ्लो, जस्ट कूल डाउन करेंगे थोड़ा सा. पूरा नीचे की तरफ बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस लेगेड पोजीशन में ले लो. अपने दोनों हाथों को ले ऊपर की तरफ और जेंटल शोल्डर रोटेशंस करना शुरू कर दें. नाउ बैक टू फ्रंट. अपने राइट हैंड को लेंगे, बिल्कुल लेफ्ट साइड ले जाएं. अपने लेफ्ट हैंड से जेंटली प्रेस करेंगे एल्बो के ऊपर. मेक श्योर दैट आपका राइट हैंड जो है वो सीधा रहे. जस्ट रिपीट करना है ऑन द अदर साइड. वेरी नाइस. नाउ टेक योर हैंड्स अप, इनहेल, एक्सहेल करके राइट हैंड को ड्रॉप कर दें, एल्बो को पुश कर दें थोड़ा सा नीचे. Repeating it on the other side. And we are done. Now if you want, aap shavasan bhi le sakte hain, but we are done with the practice. So I'll meet you again in the next session. Until then, have a beautiful and amazing day.